हेलो फ्रेंड्स, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने पेंशनर्स के लिए जो नया पोर्टल बनाया है उसमें आप सारा कुछ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना पीपीओ का स्टेटस चेक करना चाहते हैं या अपना पूरा का पूरा पेंशन की डिटेल्स देखना चाहते हैं, वो सब का सब आप सीपीएओ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की वेबसाइट जो कि cpao.nic.in है, उस पर जा सकते हैं। ये देखिए, ये है cpao.nic.in का होम पेज। यहाँ पे जाके आप पेंशनर वाला जो ब्लॉक है उस पर आप क्लिक कीजिए। जब आप पेंशनर वाले ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये है पेंशनर का पूरा पोर्टल। आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारी फैसिलिटी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहली फैसिलिटी जो है वो है आपका पीपीओ नंबर। अगर आपको अपने पीपीए नंबर की स्टेटस पता करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अपना पैन कार्ड नंबर जो है और डेट ऑफ रिटायरमेंट डालना है आपने, उसके बाद से आपने सबमिट कर देना है। इससे आपको क्या बदल जाएगा कि ये उनके लिए है जो रजिस्टर्ड हु आर अबाउट टू रिटायर, उनको पीपीओ नंबर का उनका स्टेटस क्या है, उनको भी एलोकेट नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है, अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और डेट ऑफ रिटायरमेंट डालना है, और उसके बेस पे उनको जो है उनका पीपीओ नंबर पता चल जाएगा। तो दूसरी जो फैसिलिटी है वो है गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ये जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर लेटेस्ट आ रहे हैं वो सब के सब आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सिर्फ पेंशनर्स के लिए। देखिए CPAOIT रिकवरी ऑफ एक्सेस ओवर पेमेंट मेड टू पेंशनर्स, ये जो लेटेस्ट जितने भी आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। मेन चीज़ क्या है कि अगर आप जो अभी रिटायर होने वाले हैं वो अपना जो है पीपीओ नंबर देखना चाहते हैं तो उनको पीपीओ नंबर एलोकेट नहीं हुआ तो उनको अपने पैन कार्ड और डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेस पे उनको मिलेगा। उसके बाद से क्या है, पीपीओ स्टेटस। अगर आप अपने पीपीओ का स्टेटस देखना चाहते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ अपना 12 डिजिट का पीपीओ नंबर डालना है और सबमिट करना है तो आपको वो पीपीओ का स्टेटस पूरा बता देगा। नेक्स्ट फैसिलिटी जो है उनके लिए है जिनका कि 12 डिजिट का पीपीओ नंबर नहीं है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पीएओ नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, न्यू दिल्ली का है, एग्रीकल्चर, मुंबई, चेन्नई, कोचिन, और उसके बाद से क्योंकि इनका 12 डिजिट का नंबर नहीं है तो उनको अपना जो भी पीपीओ नंबर है जितने डिजिट का वो डाल के पीओए नेम के बेस पे उनको उनका स्टेटस पता चलेगा। जिनका 12 डिजिट का है उनके लिए तो सिंपल अपना 12 डिजिट का डालिए और उसको आपको जो है आपका स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप सीपीओ की जो लेटेस्ट वेबसाइट है उस पे जा सकते हैं। सारे गवर्नमेंट ऑर्डर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, पीपीओ का स्टेटस जो कि 12 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे, जो नॉन 12 डिजिट नंबर है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर पेंशन एंड फैमिली पेंशन, उसके लिए पूरी की पूरी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इनके पोर्टल में सारा कुछ जो भी आपको पेंशन से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।